गर्मी का मौसम हो और आम की बात नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। भोजन की थाली में आमरस और उससे बनी मिठाई नहीं हो तो भोजन का स्वाद अधूरा ही रहता है। फलों का राजा आम लोगों के भोजन का स्वाद तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ ये कई घरों की आजीविका भी चला रहा है। गर्मी के इस मौसम में आम के पापड़ तैयार किए जाते हैं और आम पापड़ के मामले में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का नाम सबसे पहले आता है। शायद आपको ये ना पता हो कि प्रतापगढ़ जिले के आम के पापड़ आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है और मुनाफा भी अच्छा मिलता है, लेकिन आम के पापड़ को तैयार करने में मेहनत काफी करनी पड़ती है। इस विषय में हमने आम के पापड़ बनाने वाले व्यापारियों से बात की, तो उन्हीं से जानते हैं कि इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। आज से तकरीबन 50 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज द्वारा आम पापड़ का उत्पादन शुरू किया गया था। शुरू में बहुत ही छोटे रूपए आम पापड़ का अपने घर के हिसाब से बनाया गया और बाद में इसको धीरे धीरे लोगों की जरूरत के अनुसार इसका उत्पादन बढ़ते बढ़ते बढ़ाते गए हम। लेकिन आज भी इसका उत्पादन पर डे का एवरेज 2 केजी पर डे ये प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसकी बाजार में बहुत ही ज्यादा डिमांड है ये, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। ये पापड़ बनने के बाद में इसकी लाइफ कम से कम अगर अपन सही तरीके से स्टोरेज करें तो इस साल भर तक ये पापड़ खराब नहीं होते और इसी वजह से इसको हर तरह के लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। ये ना ही केवल प्रतापगढ़ अभी तो प्रतापगढ़ के आसपास में इंदौर बॉम्बे सब सिटियों में भी फेमस है और जो हमारे यहाँ बाहर से विदेशों से लोग आते हैं जिनको आम खाने के शौकीन है तो वो इसको यहाँ से इकट्ठा 2-2, 5-5 के एक साथ भी लेके जाते हैं ताकि वो साल भर इस चीज़ का उत्पादन का आनंद ले सकें। इसमें आम पापड़ बनाने में बहुत ही कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि इसमें केवल आम शक्कर और घी और कुछ जमाने हैं तो संसाधन ट्रे थाली वगैरह, तो ये बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आजकल ऑनलाइन का बहुत ही भीड़ है तो हमने जो तकनीकी संसाधन जैसे कि स्नैपडील हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ और जो भी इंडियन साइट जो भी देती है जिससे पोस्ट ऑफिस वगैरह के थ्रू भी हम बहुत से कस्टमर को पेटीएम या मोबाइल बैंकिंग का ट्रांसफर लेकर उनको कुरियर की सुविधा भी करते हैं। आम पापड़ को बनाने में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि आम पापड़ में मात्र 5,000 से 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके भी कोई भी घरेलू उपभोक्ता आराम से आम पापड़ का व्यवसाय चालू कर सकता है। इसमें आम और शक्कर में इनका ही जरूरत रहती है और ज़्यादा बर्तन वगैरह की भी आवश्यकता नहीं रहती है, जो कि घरेलू बर्तन में इसको जमा के भी इसको बेचा जा सकता है, इसलिए इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। इसके अगर घर के अगर अपन 3 से 4 मजदूर मेंबर मिलके भी इसको बनाते हैं तो मात्र इसकी घर की लागत 120 से 130 रुपए किलो आती है और ये बाजार में नॉर्मल वे में 150 से 200 रुपए ऊपर किलो बिकता है, तो उनको एवरेज 50 रुपए किलो के आसपास का कम से कम मुनाफा मिल जाता है। अभी आपने जाना कि इस बिजनेस को कैसे और कितने रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसको बनाने की सही रेसिपी क्या है। आम के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले कलमी आम की वैरायटी लाते हैं, उसके बाद उनको कच्चे पक्के छांटते हैं, फिर उनको धोते हैं, उसके बाद उनको गट्टे करते हैं साफ करके, फिर मिक्सर में दूध निकालते हैं, शक्कर डाल के फिर जितनी मात्रा में शक्कर चाहिए वो लेते हैं और ट्रे पे घी लगाकर उनमें आम का रस पिलाते हैं, फिर 24 घंटे बाद उनकी चीरे लगाकर उनको निकालते हैं और ताड़ी पे डालते हैं, जब अच्छे सुखा जाते हैं तो उनको केक करके बेचते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।